पर कर लई रखी चढ़ हो पर की बात की थाली भर कर लई रखी चढ़ो पर की बात की। अच्छा भजन ये सबको आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये भजन आता है, जिन जिनको आता है एक भजन दोनों हाथ रख। जी मो मारा शाम तड़े जी मावे बेटी जाट की, जी मो मारा शाम तड़े जी मावे बेटी जाट। जरा तालियां बजा लो एक बार उस महान भक्त के लिए जिसकी भक्ति पे रीच कर कन्हैया ने एक क्षण की भी देर नहीं की। जरा दोनों हाथ लगे जरा और मिलके बोलो, बाबो मारो काव कया है ना जाने कत आवे लो, उनके भरोसे बैठ रहो तो भूखो दी सो जावे लो, उनके भरोसे बैठो भूखो दी सो जावे लो। जब कर्मा भाई ने भोग लगाए ना खींचने का, यही सर्दियों का समय था और गर्मा गर्म जब खींचना तैयार हुआ बनके, तो कर्मा भाई ने क्या कहा, अरे आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो घाल रबड़ी छाछ की, आज जिमाऊ तने खींचड़ो घाल रबड़ी छाछ की। जी मोमा ऐसे नहीं जरा, जी मोमारा शामगणी जी मावे बेटी। कौन कौन चाहता है कि कर्मा की तरह आपके हाथों से भी कन्हैया अपने ठाकुर आपके हाथों से भोग स्वीकार करें, कौन कौन चाहता है जरा दोनों हाथ ला के जरा तालियां के साथ हिमल के जरा। कि मारा तानोड़ा गिरधारी खींचड़ खा ले रे बनवारी, मारा तानोड़ा गिरधारी खींचड़ खा ले रे बनवारी, कर्मा विपत्ति कर कर हारी बेटी जाटारी, बेटी जाटारी बेटी जाटारी नागर को भोग लगा देना, मेरे सावन सा को भोग लगा देना। लेकिन वो 12 वर्ष की नादान बालिका क्या समझती कि कैसे भोग लगाते हैं, किस तरह से भोजन की प्रक्रिया होती है ठाकुर की। जब कन्हैया बार बार मिन्नत की कन्हैया नहीं आए तो देखिए कर्मा भाई को याद आता है कि ठाकुर ऐसे किसी के सामने नहीं खाते, पर्दे की ओट में खाते हैं। ताली बजा लो एक बार, सदियों पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात। और जब 12 वर्ष की उस बाली का कुछ भोग के कपड़े के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला, वस्त्र नहीं मिला, तो देखिए क्या करती है। पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी, धाबड़िया के ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी, धाबड़िया के ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो। हमारे आज की हमारी जो नौजवान पीढ़ी, हमारी माता बहने यहाँ पे कई कॉलेज ईयर्स की बहने भी बैठी, हमको पता ही नहीं है कि ये ढाबड़िया होता है। राजस्थान का एक परिधान है, एक पोशाक है। आप आजकल के तो चल रहे हैं ना आधुनिक जमाने की ओर दौड़ रहे हैं, है ना, वेस्टर्न की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न वालों को देखो, कभी आके देखो इस्कॉन मंदिर में किस तरह से साड़ी पहन के वो घूमते हैं और हम उनकी तरफ भागे जा रहे हैं। छोटी सी 12 वर्ष की बालिका और 80 कली का घेर का वो घाघरा, उसको ढाबलिया बोलते हैं। ढाबलिया यानी कि लहंगे के जैसा एक वस्त्र, कितना सुंदर लगती है। मैं आपको आज कह के जाऊंगा कि कभी भी राजस्थान जाने का काम पड़े 80 कली का घाघरा लेके आना और अपनी बच्चियों को एक बार वो वस्त्र पहनाना, परी जैसी सुंदर लगेगी। आज के वस्त्र क्या होते हैं, परी जैसी सुंदर लगेगी, यही हमारे संस्कार है, यही हमारा विधान है। एक बार जरा मिल के जरा दोनों हाथ रखे बोलो जरा, पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरिया पर तो फेर लगायो जी, ढाबड़िया की ओट
बैठ कर शाम की चिड़ो खाया जी, ढाबड़िए की ओट बैठ कर शाम की चिड़ो खाया। और बोलो, अरे भोला भाला भगता से, भोला भाला भगता से सांवरिया कैया भात की जी ममारा श्याम धनी जी मावे बेटी जा। भोग का पर्दा हट चुका है, लेकिन एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जरा इस महान रचनाकार के नाम, जिसने इस भजन की रचना की, जिन्होंने इस भजन की रचना की, दोनों हाथ खोल के देना, मिलके देना। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी हो, बजाना जरा तालियां जरा। हाँ भैया, घर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहकार प्रभु का हर की हर गुण गावे लो, सोहन लाल लोहकार प्रभु का हर की हर गुण गावे लो, और साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ।